और जब मैं उन लोगों से मिली जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फिल्म स्टूडियोज में गुजार दी है, एंड ऑल द ओल्ड बाबाज हुआ एडिटिंग सुइट्स में बैठे हुए हैं और साउंड इंजीनियर्स और चाय वाले, आई वॉज सो हम्बल्ड बिकॉज इतने अच्छे लोग, इतनी मेहनत से. इनफैक्ट एटीट्यूड फिल्म वालों का टीवी वालों से बेहतर था. अतिका, फिल्म की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है, तो हमने सोचा कि कुछ आपकी मेमोरीज जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं. ओके. मेरे मिस और मैं भी वहीं हैं जहाँ से हमने ये सब कुछ शुरू किया था. वही घर, वही सब कुछ. ये लो, आराम से. ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है. रबाब कहता है मुझसे चाहता. आप म्यूजिक की आवाज कम कर सकती हैं. आप म्यूजिक बंद कर सकती हैं. इसलिए मैं शहर से खामोशी एंजॉय करती हूँ और मैं शहर से अपना म्यूजिक एंजॉय करने आती हूँ. देखो, बेईमानी मत करो. अतिका, आपने जावेद शेख के साथ भी काम किया और नदीम साहब के साथ भी, दोनों में से ज़्यादा किसके साथ आपने अपने आप को कंफर्टेबल फील किया? आई थिंक बिग साहब का जहाँ तक ताल्लुक था, एक बहुत ही एहतराम एंड बहुत ही सॉर्ट ऑफ फॉर्मल सा एक रिश्ता था, बिकॉज बिग साहब बहुत, यू नो, आई ग्रू अप वॉचिंग हिम ऑन द बिग स्क्रीन. ही इज़ लाइक अ सीनियर टू मी एंड बड़ा थोड़ा सा हिचकिचाहट, बट ही वॉज़ वंडरफुल टू वर्क विद. एंड जावेद का, शेख साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी लाइवली पर्सनैलिटी, तो उनके साथ थोड़ा सा इट इज़ मोर रिलैक्स एंड कैजुअल. एक चीज़ होती है कि इंसान का काम करते हुए ना अपने कुलीग के साथ कंफर्टेबल लेवल जो है ना वो डेवलप हो जाता है. तो ज़्यादा आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग किसके साथ थी, हुमायूं के साथ या नुमान के साथ? आई थिंक दैट वेल, खैर, नुमान के साथ एक मेरा बहुत लंबा एक अरसा, हमारा जो एक प्रोफेशनल रिश्ता है और दोस्ती का भी है. नुमान ने मेरे बच्चे छोटी छोटी उम्र से कंधों पे लेके फिरता रहा, यू नो, सो इट्स डिफरेंट. एंड सो नुमान एंड राबिया आर वेरी डियर टू मी बिकॉज बहुत वी हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप. हुमायूं से मेरी बाद में मुलाकात हुई एंड एक बहुत ही प्यार मोहब्बत एंड प्रोफेशनलिज्म में भी हम बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत है. एंड ओवरऑल मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह से इतने सालों में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जहाँ प्रोफेशनली कहीं भी ऐसी गड़बड़ हो, जहाँ नफरत हो या गुस्सा चढ़ाओ. हम दोस्त ही निकले हैं अपने कामों से. वी स्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली. जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, जैसे ये लड़कियों के साथ मैं करती हूँ कि चलें खाने पे चलें, दीज पीपल आर माई फैमिली. अच्छा, अच्छे बुरे आई डोंट केयर. मैं इनको डांटती भी हूँ, लड़ती भी हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ. वी आर लाइक अ फैमिली. अतिका, आपने टेलीविजन पर बींग ए होस्ट भी बहुत सारा काम किया एंड यू इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी डिसेंट स्टाइल ऑन टेलीविजन. आप क्या समझती हैं कि अभी आजकल जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को होस्ट कर रहे हैं, वो उनका तरीक़ाकार ठीक है? क्योंकि वो इतना कैजुअल किस्म का अंदाज शो कर रहे हैं कि जिसमें एक डिसेंसी जो है ना वो उसका तनासुब कम नज़र आता है. आर यू फॉन्ड ऑफ दिस न्यू स्टाइल? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैंने अपने इस मीडियम में छोटी स्क्रीन के हवाले से सब कुछ किया है, राइटिंग, डायरेक्टिंग, प्रोडक्शन, होस्टिंग, क्योंकि मैं समझती हूँ हमें मौका बहुत मिलता है, कोशिश करनी चाहिए. उसमें फिर आपको अपनी जो क्वालिटीज़ हैं नज़र आती हैं. जब होस्टिंग शुरू की तो मेरा एक जेन्युइन इंटरेस्ट था लोगों में, और मैं अपना जो शो था उसको मैंने कभी, उसका नाम ही था कॉन्वर्सेशन, एक डिस्कशन, यू नो, प्यार मोहब्बत. एंड मैं चाह रही थी कि हमारे मुल्क में जो लोग इतना कुछ करते हैं, इतनी हमारी टैलेंट इतना है, काबिलियत इतनी है,
टू शो द ग्रेट थिंग्स अबाउट द पीपल इन दिस कंट्री. तो मेरा एक एटीट्यूड ही कुछ और था. इट वॉजन टू कि जी मैं रेटिंग के लिए किसी की बेइज्जती करना चाह रही हूँ. वो मेरे नेचर में नहीं है, तो मैं टेलीविजन में क्यों लाऊंगी. अच्छा, जब टेलीविजन की बात हम करते हैं, क्या ये चीज़ इरिटेट करती है अतीका? हाँ, बिकॉज यू सी मसला ये है रीमा के, जब आप टीवी जैसी चीज़ के ऊपर बैठे होते हैं जैसे हम बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपने ऑडियंस को एक मैसेज दे रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट यू एंड मी, अभी आपको लाखों लोग देख रहे हैं और उन लाखों लोगों के बच्चे भी आपको देख रहे हैं. आप अपने आप को जैसे संभालेंगी, आपने जो आगे खवातीन हैं सोसाइटी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, आप यू नो, आपको देख के खवातीन सोसाइटी में भी कुछ सीख रही होंगी. तो अगर आपने उनको बेहूदगी दिखानी है और बदतमीजी दिखानी है, तो आप एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं ऑन यंग माइंड्स. तो आई हैव ट्राइड कि मैंने टेलीविजन में हमेशा कोशिश की है ऐसा काम करूं कि जो देख रहा हो उसको यानी कि इरिटेशन ना हो, या मैं इन्वेड ना कर रही हूं उनकी इनोसेंट माइंड्स को, इन्वेड ना हम कर रहे हों. हमारे टेलीविजन में ओवरऑल वायलेंस बहुत है, रेटिंग सिस्टम होनी चाहिए. मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने काफ़ी सारे मीडिया पे पेपर्स भी लिखे हुए इस हवाले से कि जी रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो देर शुड बी सम डूज एंड डोंट्स ऑफ द ट्रेड. हर ट्रेड का होता है, टेलीविज़न का भी होना चाहिए. जैसे हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं, पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि पता होना चाहिए हमें कि जी हमने किस हद तक या किस दायरे में काम करना है, क्योंकि अवाम, एक इतनी बड़ी अवाम आपको देखती है, इतने छोटे छोटे बच्चे आपको देखते हैं. ठीक, बिल्कुल. क्या सिखा रहे हैं, व्हाट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यंग ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री? अतीका, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड फायर. ओके, एक लफ्ज आपके सामने लूंगी, जो भी ख्याल ज़हन में आया आपने शेयर करना. ओह डियर, ठीक है. शान, हैंडसम. सबीहा खानम, ओह क्लासिक. मौलाना फजलुर रहमान, इंट्रीगिंग. द प्रेसिडेंसी ऑफ इस्लामाबाद, ओह सो सैड. मारवी मेमन, फाइटर. लाइपोसेक्शन, डेंजरस. फिरदौस आशिक अवान, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर. IMF, शुड अवॉइड इट. हिलरी क्लिंटन, स्ट्रॉन्ग वुमन. तहरीर स्क्वायर, ओह फैंटास्टिक. रेमन डेविस, अनफॉर्चुनेट. ड्रोन अटैक्स, must be stopped. Shobha Day, empowered woman. Ideal shohar mein kya khubiyan honi chahiye? Izzat, imandari, mohabbat aur sabr. Aur aurat ko ideal biwi banne ke liye apne andar kya tabdiliyan lani chahiye? Wohi cheez hai, sabr ki bahut zarurat hoti hai, mohabbat karna zaruri hai, imandar होना, यानी कि डेडिकेशन होनी चाहिए टू द रिलेशनशिप. आई थिंक इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.